हादसा हुआ है। ये तस्वीरें उस वक्त के हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे लोग, और पूर्व शिक्षा मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे, लोगों का हालचाल जाना। गणेश विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ है। तो आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ और सोनीपत में नहर में डूबे 7 लोगों की जान गई है, 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो 4 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आपको बता दें शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, और तस्वीरें भी हम आपको उस वक्त के दिखा रहे हैं जब वहां मौजूद आसपास लोगों ने उन्हें जैसे तैसे बाहर निकाला। अस्पताल में फौरन उन्हें ले जाया गया जहां पर उनका इलाज जो है अभी फिलहाल चल रहा है। 4 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री रामलाल शर्मा आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वो भी वहां पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने अस्पताल में पहुंचकर घायलों का हाल चाल जाना। तो गणेश विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ है। गणेश विसर्जन 4 लोग महेंद्रगढ़ में लोग डूबे, और सोनीपत में 3 लोगों की मौत हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। 4 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो ये बड़ी जानकारी, गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। बता दें महेंद्रगढ़ और सोनीपत में 7 लोग डूबे हैं। गणेश विसर्जन का मौका था, और जैसे ही गणेश जी को विसर्जित करने के लिए यहां उतरे, वैसे ही गहराई का पता नहीं चल पाया पानी की, और जो लोग गणेश विसर्जन के लिए पहुंचे थे वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव गणेश विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ है। तो गणेश विसर्जन करने के लिए काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे, और आपको बता दें कि जैसे ही गणेश विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ, आसपास के लोग बचाव के लिए यहाँ पर आए, और जो लोग डूब रहे थे उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि ये 2 बड़े हादसे गणेश विसर्जन के दौरान हुए हैं। महेंद्रगढ़ और सोनीपत में 7 लोगों की डूबने से मौत हुई है। महेंद्रगढ़ में 4 लोग नहर में डूबे हैं, जबकि सोनीपत में 3 लोगों की मौत हुई है डूबने से। नहर में गणपति विसर्जन के लिए यहां पर आए थे, लेकिन नहर की गहराई का इन्हें अंदाजा नहीं था, और इस दौरान डूबने से मौत हुई है इन लोगों की। 2 अलग अलग यह हादसे हुए हैं महेंद्रगढ़ में, सोनीपत में, जहां पर 7 लोगों की दोनों ही हादसों में मौत हो गई है डूबने से। बता दें आपको तो गणेश विसर्जन करने के लिए यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए थे। 2 बड़े हादसे महेंद्रगढ़ सोनीपत में, 7 लोग डूबे हैं। महेंद्रगढ़ में 4 लोग नहर में डूबे हैं, जबकि सोनीपत में 3। तो शवों को नहर से बाहर निकाला गया। बता दें आपको गणेश विसर्जन के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है। महेंद्रगढ़ सोनीपत में 7 लोग डूबे हैं, 4 लोग नहर में महेंद्रगढ़ में डूबे हैं, जबकि सोनीपत में 3 लोगों की मौत हुई है। तो यह हादसा हुआ है, ये दर्दनाक हादसा महेंद्रगढ़ और सोनीपत में। तो गणेश विसर्जन के दौरान यह हादसा महेंद्रगढ़ सोनीपत में हुआ है। 7 लोग डूबे हैं। सोनीपत में 3 लोगों की मौत डूबने की वजह से हुई है। ये बड़ा हादसा हुआ है, बता दें आपको, गणेश विसर्जन के दौरान, और
गणेश विसर्जन करने के लिए श्रद्धालु जो थे वो कल काफी संख्या में पहुंचे हुए थे, लेकिन नहर में जहां पर ये श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे गणेश विसर्जन के लिए, वहां पर हादसा हुआ है। हालांकि प्रशासन द्वारा इस तरीके से विसर्जन को लेकर कई एहतियात जो हैं वो जारी किए जाते हैं, बावजूद इसके लोगों की लापरवाही की वजह से इस तरीके के हादसे जो है अक्सर देखने को मिलते हैं। और यही वजह है कि लोगों से अपील ये की जाती है कि आस्था के प्रति गणेश विसर्जन को वो कम गहराई वाली जगहों पर जहां पर या फिर कृत्रिम जल स्रोतों में ही विसर्जित करें। संजीव घनगस संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं सोनीपत से। संवाददाता संजीव, हादसा किस दौरान हुआ, क्या कुछ हुआ था उस दौरान और कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं, कितनों की मौत हुई है विसर्जन के दौरान? जी, यमुना में जो गड्ढे बने हुए हैं इनमें लोगों की जान जा रही है और गड्ढों को लेकर प्रशासन किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं कर रहा है। शुक्रवार को गणपति विसर्जन का त्योहार था जिस पर बहुत सारे लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार वहां पर पहुंचे थे, परंतु वो जो त्योहार था वो मातम में पसर गया शाम के समय। शुक्रवार को गणपति विसर्जन के दौरान बेका और मेमारपुर घाट पर 4 लोग डूब गए जिसमें पिता पुत्र समेत एक ही परिवार के लोग थे। जी संजीव, फिलहाल अस्पताल में जो घायल लोग हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी, उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। 2 को पीजीआई रोहतक भी रेफर किया है और बाकियों का इलाज सामान्य अस्पताल सोनीपत में चल रहा है। संजीव, हालांकि आस्था का प्रतीक ये पर्व गणेश विसर्जन का, लेकिन लोगों को भी एहतियात बरतने के निर्देश जो है वो दिए जाते हैं इस दौरान कि आप या तो कृत्रिम जल स्रोतों में आप गणेश विसर्जन करें या इस तरीके की गहरी नहरों से आप दूर ही रहें, बावजूद इसके लोगों की तरफ से इस तरीके की लापरवाही बढ़ती जाती है। जी बिल्कुल, अगर लापरवाही की बात करें तो लोगों में जो श्रद्धा और आस्था होती है उसको लेकर बहुत अधिक वो अंदर गहरे तक चले जाते हैं, मगर यहाँ बता दें अगर नियमों की बात करें तो एनजीटी के जो नियम है उनका अनुसार यहाँ पर कोई भी विसर्जन कर ही नहीं सकते हैं, परंतु फिर भी आस्था को लेकर लोग पीछे नहीं हटते हैं और आस्था को लेकर यहाँ पर विसर्जन लगातार जब भी त्योहार आता है तो करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव घनगा से तमाम जानकारी के लिए। तो गणेश विसर्जन के दौरान ये 2 बड़े बड़े हादसे हुए हैं। आप अभी सोनीपत का हाल जान रहे थे क्योंकि वहां पर सोनीपत में आपको बता दें कि 3 लोगों की मौत हुई है इस दौरान और कई लोग घायल हुए हैं। वहीं सोनीपत में आपको बता दें और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। महेंद्रगढ़ और सोनीपत जिले में गणपति विसर्जन के दौरान नहर में डूबने से कई लोगों की असामयिक मृत्यु का समाचार हृदय विदारक का है। ये बात इस बात का जिक्र किया, इस कठिन समय में हम सभी मृतकों के परिजनों के साथ खड़े हैं। डीआरएफ की टीम ने कई लोगों को डूबने से बचा लिया है, मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये ट्वीट इस हादसे को लेकर वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 2 हादसे हुए हैं गणेश विसर्जन के दौरान और मुख्यमंत्री ने शोक जताया है इस हादसे को लेकर और ये ट्वीट किया है। महेंद्रगढ़ और सोनीपत जिले में जो गणपति विसर्जन के दौरान नहर में डूबने से कई लोगों की असामयिक मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है, इस बात का जिक्र किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस कठिन समय में हम सभी मृतकों के परिजनों के साथ हैं। बता दें आपको ये बड़ी बातें जो इस पूरे घटनाक्रम में हुई है गणेश विसर्जन में 2 बड़े हादसे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ सोनीपत में 7 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। बड़ी खबर, सोनीपत में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि महेंद्रगढ़ में 4 लोगों की, वही 4 को सुरक्षित बचा लिया गया है। यह बड़ी जानकारी गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा गणेश विसर्जन में 2 बड़े हादसे, नहर में डूबने से 7 लोगों की मौत, महेंद्रगढ़ में 4 लोग नहर में डूबे हैं, सोनीपत में 3 लोगों को की मौत हुई है और 4 को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो गांव जगदौली के पास नहर में हादसा हुआ, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ट्वीट भी हम आपको अभी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इन दोनों ही हादसों को लेकर उन्होंने दुख जताया है, शोक प्रकट किया है। गणेश विसर्जन
का त्योहार और गणपति जी को विसर्जित करने के लिए जब ये श्रद्धालु नहर के पास पहुंचे और विसर्जन के दौरान गहराई जो है वो उनका उसका पता नहीं चल पाया और वहां पर डूबने से उनकी मौत हो गई। ये दो अलग अलग जगहों पर भी हादसे हुए हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने शोक प्रकट किया है। तो गणेश विसर्जन के दौरान हुआ ये बड़ा हादसा, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। गणेश विसर्जन में दो बड़े हादसे, हरियाणा के मंदिर और सोनीपत में 7 लोग डूबे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। 4 लोग नहर में डूबे हैं, महेंद्रगढ़ में सोनीपत में 3 लोगों की जो मौत है वो हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, 4 सुरक्षित को बचा लिया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो 8 फुट की प्रतिमा लाए थे विसर्जन को और एनडीआरआई के जवान ने 4 को बचाया है। बता दें आपको, गणेश विसर्जन के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है। गणेश विसर्जन में 2 बड़े हादसे, महेंद्रगढ़ और सोनी